हाय फ्रेंड्स, मैं कुसुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज मैं आपको तिल का गजक बनाना बताऊंगी। हमने 200 ग्राम सफेद तिल ले लिया है। इसको छलनी से छान के हमने अच्छे से इसको बीन लिया है। साफ करना बहुत ही जरूरी रहता है। आधा कप मिल्क पाउडर है, आप चाहें तो इसकी जगह मावा ले सकते हैं। 1.5 कप तिल है तो हम उतना ही चीनी डालेंगे। 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ा सा पानी हमने ले लिया है, थोड़ा सा घी और कुछ ड्राई फ्रूट हमने ले लिया है डेकोरेशन के लिए। अब पैन गरम हो गया है, सबसे पहले हम तिल को मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से चलाते हुए रोस्ट करेंगे। अब तिल में चटकने की आवाज आ रही है। अब यह तिल अच्छे से भून गया है, इसे हम एक बर्तन में पलट लेंगे। अब पैन में हम पानी डाल देंगे, चीनी डालेंगे, अब इसमें घी को हमने डाल दिया। हमने चाशनी को पानी में डाल के देखा तो अभी ये खींच रहा है। जब टूटने लगेगा तब चाशनी तैयार हो जाएगी। अभी 2 मिनट और हम पका लेंगे। दूध को भी डाल के इस तरह से मिक्स कर देंगे। इलायची पाउडर डालेंगे, अब थोड़े से ड्राई फ्रूट और तिल को डाल देंगे। दूध हमें कम लग रहा था तो हमने थोड़ा सा दूध और मिला लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बोर्ड पर घी लगा के हमने इस तरह से स्क्वायर शेप में स्प्रेड कर लिया है। अब इस तरह से जितना मोटा आप रखना चाहते हैं उतना मोटा रख सकते हैं। इस तरह से बेल लेंगे। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। इस तरह से पीसेस में काट लेंगे। यह गजक बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, इसे आप जरूर बनाएं।
और यह बहुत जल्दी बन जाता है। इसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं। अब गजक ठंडा हो गया है। अब इसे इस तरह से हम एक प्लेट में रख लेंगे। तिल का गजक बहुत जल्दी बन जाता है। इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। यह तिल चिक्की सर्दियों में लोग ज्यादा पसंद करते हैं, खासकर मकर संक्रांति को हर घर में यह बनाया जाता है और इसे सब लोग पसंद करते हैं। इस तरह से आप जरूर बनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यह चिक्की तैयार है। अब इसे हम तोड़ के दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से यह टूट गया। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।